काफ़ी दिनों के बाद हम आप लोगों के लिए वापस आ चुके हैं लौट कर, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो है टॉप 5 न्यू ऑफलाइन एंड ऑनलाइन गेम्स 2024। तो काफ़ी मज़ा आने वाला है वीडियो में, एंड तक देखिएगा। एंड चैनल पे न्यू विजिट किए तो चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो का सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हमेशा की तरह स्टार्ट करते हैं नंबर 5 वाली गेम से, जिसका नाम है द लेजेंड ऑफ जावा ब्रोवाइन। अब जितना यूनिक इसका नाम है उतना ही यूनिक दोस्तों ये गेम भी होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों आपको अजीब गरीबों एक कैरेक्टर देखने को मिलता है जिसके साथ आपको गेम प्ले करनी पड़ती है। यहाँ पर आपको पॉर्कर जैसा लेवल को आपको कम्प्लीट करना पड़ता है उसी कैरेक्टर के साथ में, एंड आपको दोस्तों काफ़ी मज़ा भी आने वाला है। यहाँ पर आपको ग्राफिक वगैरह काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाता है, और ये गेम जो होने वाला है वो एक कार्टून बेसिक पे होने वाला है। तो आपको अगर कार्टून वाली वीडियो अच्छी लगती है तो आपको गेम प्ले भी करने में अच्छी लगेगी, एंड काफी यूनिक गेम है तो आप ट्राई कर सकते हो। वैसे गेम का जो साइज है वो 665 MB है, तो अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। अगर आपके पास एक 4GB कार्ड या 6GB का डिवाइस फोन है तो आप इजीली स्मूथ तरीके से गेम प्ले कर सकते हो। एंड इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट गेम की ओर। एंडलिस्ट का नंबर 4th गेम निकल रहा था जिसका नाम है क्रैश आउट। अगर मैं बात करूँ इस गेम के बारे में तो यहाँ पे दोस्तों आपको सबसे पहले डिफरेंट व्हीकल्स देखने को मिलेंगे कार से रिलेटेड। यहाँ पे आपको ढेर सारे लेवल्स वगैरह देखने को मिलेंगे जहाँ पे आप दोस्तों पॉर्कर मोड वगैरह कर सकते हो, एंड रेसिंग ट्रैक भी देखने को मिलेंगे जहाँ पे आप रेसिंग कर सकते हो। साथ ही आपको दोस्तों क्रैश आउट तो गेम का नाम ही है, यहाँ पे जैसे कि आप दोस्तों दो कारों के बीच में आप क्रैश करवा सकते हो, जैसे ठोक के आप किसी भी गाड़ी को ब्लास्ट कर सकते हो और जो जीता वही इसी के अंदर। एंड यहाँ पे दोस्तों आपको ढेर सारे मजे आने वाले हैं। गेम की ग्राफिक क्वालिटी काफ़ी, विजुअल्स वगैरह काफ़ी रियलिस्टिक देखने को मिल जाता है। एंड इंटरेस्टिंग बात दोस्तों ये है कि आप इस गेम को दोस्तों मल्टीप्लेयर मोड में भी खेल सकते हो अपने दोस्तों के साथ में, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। एंड अगर आप इस गेम को ट्राई करना चाहते हो तो आप डेफिनेटली इस गेम को ट्राई कर सकते हो। ओवरऑल गेम काफ़ी अच्छी है, एंड बाय द वे गेम का जो साइज है 200 MB, एंड गेम ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में है, तो किसी भी तरह से गेम को ट्राई कर सकते हो। एंड हम बढ़ते हैं नेक्स्ट गेम की और। एंड लिस्ट का नंबर 3rd गेम निकल रहा था जिसका नाम है इम्पटी स्पेस। यहाँ पे दोस्तों एक यूनिक स्टोरी के साथ में आपको गेम प्ले देखने को मिलेगा। एक लड़का होता है एंड उसकी दोस्तों एक माँ होती है जो कि गायब हो जाता है, एंड दोस्तों वो कहाँ जाती है किस जगह पे है वो लड़का को पता नहीं है। एंड उसको ढूंढने के लिए, अपनी माँ को ढूंढने के लिए वो काफ़ी एक अलग ही स्पेस में आ जाता है जहाँ पर दोस्तों उसे जादुई शक्ति का सामना करना पड़ता है। बट दोस्तों डरने की बात नहीं है, क्योंकि दोस्तों उस स्पेस पर आपको एक ऐसी शक्ति मिल जाती है जो कि आपको हेल्प करता है उन शक्तियों से, बुरी शक्तियों से लड़ने का। एंड दोस्तों गेम काफी यूनिक स्टोरी के साथ है, तो आप इसे डेफिनेटली ट्राई करो। गेम में दोस्तों ग्राफिक विजुअल से काफी रियलिस्टिक देखने को मिल जाता है और काफी ज्यादा अट्रैक्टिव देखने को मिलता है। एंड वैसे दोस्तों गेम का जो साइज है 147 MB, एंड अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो आप डेफिनेटली कर सकते हो, काफी ज्यादा मजा आने वाला है। एंड इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट गेम की और। एंड सेकंड वर्ड पर जो गेम निकल रहा था जिसका नाम है द ऑफेंडर्स 400। यहाँ पे दोस्तों आपको सबसे पहले तो एक बिग सिटी देखने को मिल जाता है जहाँ पे आप ढेर सारे मिशंस को कंप्लीट करोगे। ये आपको दोस्तों पूरी की पूरी GTA 5 वाले फीलिंग देने वाली है, क्योंकि दोस्तों आप जितने भी मिशंस आप GTA 5 में देखते हो लगभग मिशन आपको इस गेम में देखने को मिल जाएगा, जैसे कि रॉबरी करना, बैंक लूटना एंड काफ़ी सारे अदर मिशन आपको देखने को मिल जाएगा जिन्हें आपको कंप्लीट करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। यहाँ पे दोस्तों आपको ग्राफिक वगैरह काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाता है, डिफरेंट कार्स वगैरह देखने को मिलेंगे। और हाँ, इस सिटी में दोस्तों अगर आप ज़्यादा उठपुटांग हरकत करते हो तो आपके पीछे पुलिस भी लग जाती है, तो आप थोड़ा सा बच के भी रहें। एंड दोस्तों अगर आप इस गेम को ट्राई करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा एंड आपको पूरी की पूरी GTA 5 वाली फीलिंग देने वाली है। बाय द वे गेम का जो साइज है 449 MB, तो अगर आप इस गेम को ट्राई नहीं करते तो आप एक अच्छे गेम को मिस कर रहे हो। एंड हम पढ़ते हैं नेक्स्ट गेम की और। एंड लिस्ट का नाम 1st एंड लास्ट गेम निकल रहा है जिसका नाम है क्राइम सीन एविडेंस क्लीनर। अब देखो दोस्तों यहाँ पे एक खून हो जाता है आपके हाथों से, एंड उससे आप एविडेंस जितने भी सारे हैं उन्हें आपको छिपाना होता है, उन्हें आपको बचाना पड़ता है। जैसे कि काफ़ी सारे ऐसी ऐसी जगह पे खून लगे होते हैं जिन्हें आपको साफ करना पड़ता है, काफ़ी सारे ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि जिसे आप छोड़े होते हो उन्हें आपको छिपाना है। एंड काफ़ी मतलब समझ लो आप क्राइम की हो और आपको बचना है दिमाग लगा कर, तो आप समझ सकते हो कि गेम में काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। तो अगर आप इस तरह का गेम अगर खेलना पसंद करते हो तो डेफिनेटली ट्राई करो। हम तो कहते हैं कि अभी जाओ और अभी के अभी ट्राई करो। बट दोस्तों इसमें एक मुझे ये अच्छा नहीं लगा गेम में कि दोस्तों इसका जो कंट्रोलर है वो काफ़ी ज़्यादा घटिया है। जी हाँ, लेकिन दोस्तों अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो कर सकते हो, काफ़ी मज़ा भी आएगा। बाकी दोस्तों इस गेम का जो गेम प्ले है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, एंड ग्राफिक वगैरह काफ़ी रियलिस्टिक देखने को मिल जाता है, तो काफ़ी मज़ा भी आने वाला है गेम में। ओवरऑल गेम भी अच्छी है, और बाय द वे गेम का जो साइज
जो 101 MB और गेम दोस्तों पूरी तरह से ऑफलाइन होने वाला है। तो आज की इस वीडियो को करते हैं खत्म और फिर से मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।